दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब ये है कि या तो आप इग्नू में एडमिशन ले चुके हो या इग्नू में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हो, तो ये वीडियो यार डेफिनेटली आप ही के लिए है। इस वीडियो में बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस के बारे में, इग्नू के बारे में समथिंग स्पेशल, समथिंग ड्रॉबैक्स देखेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स भी हैं जो इग्नू के स्टूडेंट को और जो इग्नू में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं उनको जानना ज़रूरी हो जाता है। इग्नू के कोर्सेज के बारे में जानूंगा कि इग्नू कौन कौन से कोर्सेज आपको डिफरेंटली प्रोवाइड करता है, साथ ही फीस के बारे में बताऊंगा, असाइनमेंट के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में, असाइनमेंट के बाद में स्टडी मटेरियल पर डिस्कशन करेंगे, साथ ही इसके बाद में एग्जामिनेशन री रजिस्ट्रेशन ओवरऑल बातें इस वीडियो में कवर होने वाली हैं। तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है बिकॉज इस वीडियो के बाद में आप लोग पूरी तरह एक्सपर्ट बन जाओगे बिकॉज यहाँ सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे, फिर साल भर आपको पूछने की किसी से आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी भी पॉइंट को। तो आइए बात करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है जैन सिंह, आप देख रहे हैं माइंड्स ऑफ टेक्नो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को सभी के साथ में शेयर कर दें। सो चलिए जान लेते हैं इग्नू के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए इग्नू की बात करूँ तो इसकी फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, और इसकी इस्टेब्लिश की बात करें या स्टार्टिंग की बात करें तो हमारे पार्लियामेंट के 1985 के एक्ट के तहत इसकी शुरुआत की गई है। साथ ही बात करें इसमें कि एक्चुअल में इसका मोटो क्या था, इसको स्टार्ट करने की आवश्यकता क्या थी, तो देखिए यहाँ पर आप सभी को पता है हमारी कंट्री में लगभग काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपनी किसी ना किसी कारणवश अपनी तैयारियों को छोड़ देते हैं, अपनी परीक्षाओं को, अपनी तैयारियों को, अपनी एजुकेशन को कहीं ना कहीं साइड वाइज कर देते हैं। अगर बॉयज़ की बात करें तो जनरली फैमिली प्रेशर के कारण या फिर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण उनको अपनी एजुकेशन को छोड़ना पड़ता है, ठीक है। साथ ही अगर गर्ल्स की बात करूँ तो उनके सामने यार कई सारे चैलेंज होते हैं, एक तो सोसाइटी है, दूसरा ये चैलेंज भी होता है कि उनकी मैरिज कर दी जाती है अर्ली एज में, जिस कारण से उनको अपनी पढ़ाई को कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो इस बेसिस पर इग्नू को स्टार्ट किया, इग्नू से ऐसे लोग भी जो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हैं तैयारी करने को लेकर, उनकी एज चाहे कितनी भी हो, यहाँ पे एज को लेकर कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। आप देखेंगे तो यहाँ पर एज, रिलीजन और आपके कलर्स, जेंडर्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सभी को इक्वली एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है। यहाँ से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात निकल के आती है तो उन सभी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यार बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इग्नू के। साथ ही बात करूँ यार कोर्सेज की, तो कोर्सेज तो लगभग भरे पड़े हैं, इतने कोर्सेज हैं यार कि पूछो मत, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं यार बैचलर डिग्री कोर्सेज से, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कितने सारे यहाँ पे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर बात करें मास्टर डिग्री कोर्सेज की, तो यहाँ पे मास्टर डिग्री कोर्सेज भी कम नहीं है। उसके साथ में पीजी कोर्सेज की बात करूँ तो पीजी कोर्सेज भी आप लोग देख पा रहे होंगे, पीडीएफ आपके साथ में शेयर कर दूँगा तो आप लोग उसमें अच्छे से चेक कर पाएंगे। साथ ही बात करें डिप्लोमा कोर्सेज भी इग्नू में ऑफर किए जाते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसके बाद में सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं तो आप लोग वो भी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और इन सभी कोर्सेज की यार कहीं ना कहीं वैल्यूज़ बहुत हैं, जॉब प्रोस्पेक्टिव से भी वैल्यूज़ हैं और कई और भी बेसिस पर भी इनकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। हर एक कोर्स की अपनी अलग विशेषता है तो अलग से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आज हम जानेंगे, पहली बात कर लेते हैं एडमिशन्स के संदर्भ में। देखिए जब इग्नू की बात निकल के आती है पहले तो आप लोग कोर्स से रूबरू हो चुके होंगे, और यहाँ पे CBCS के तहत, जैसा कि सभी यूनिवर्सिटीज़ में अब तहत हो चुका है, उसके तहत ही यहाँ पे भी कोर्सेज आपको देखने को मिल जाते हैं। तो CBCS के तहत आपको कई सारे कोर्सेज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद में क्रेडिट बेस्ड, और इसके फ़ायदे काफ़ी सारे हैं। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी से कई सारी राह क्लियर हो चुकी हैं क्रेडिट ट्रांसफ़र को लेकर, ठीक है। जल्दी ही वो लागू भी हो जाएगा तो आप लोग को दिक्कत की बात नहीं है। बात करें प्रोग्राम्स की तो यहाँ पर आपको कई सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। देखिए पहले तो SLM मिलता है जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है आपका, ठीक है। उसके अलावा ऑडियो विजुअल मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, और यहाँ पे क्लियर कर दें काउंसलिंग क्लास भी होती हैं, और साथ ही रेडियो पॉडकास्ट भी आपको देखने को मिल जाते हैं। परंतु बेस्ट फीचर अगर मैं कहूँ तो वेब इनेबल पोर्टल है जो कि काफ़ी यूज़फुल रहता है, खासकर BSc के स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, और भी कई सारे प्रोग्राम्स को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, तो जल्दी ही वो भी ये फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको एक ही पोर्टल पर सारी ही सुविधाएँ मिल जाती हैं अपने पर्टिकुलर प्रोग्राम्स के रिलेटेड में, ओके। उसके बाद में एवोल्यूशन प्रोसेस भी काफ़ी अच्छा है इग्नू का, जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इन सभी को मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन जो पॉइंट्स हैं वो मैं बात करूँगा। देखो अगर मैं बात करूँ एग्जामिनेशन फ़ीस की, तो यार क्लियरली यहाँ पर क्या है, पहले जो फ़ीस थी
ठीक है, पहले थी आपकी 150 रुपीस, अब जिसे बढ़ाकर 200 रुपीस कर दिया गया है। यहाँ पर ये करेक्शन है, आप लोग एक बार देख लो, बिकॉज ये जो प्रोस्पेक्टिव है वो जनवरी 2021 वाला है, अभी का अपडेट होना बाकी है जुलाई 2021 का, जल्दी अपडेट हो जाएगा, लेकिन अभी आपके साथ में डिटेल्स शेयर करनी है। जैसी वो अपडेट होगा उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो बाद में जो बच्चे देखेंगे उनके लिए वो भी बेनिफिट हो जाएगा। वहीं बात करें एग्जामिनेशन फॉर्म की या एग्जामिनेशन फ़ीस की, तो अब जो बढ़ाकर 150 से 200 फीस कर दी गई है पर कोर्स वाइज, और ये सभी बच्चों को पे करनी होती है। उसके साथ में बात करें यार फीस की रिगार्डिंग लेट फीस की, तो अगर आप डिले करते हो तो आपको लेट फीस भी सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है। तो यार जो बच्चे जनवरी सेशन के होते हैं जिनका सेमेस्टर वाइज है, तो उनके लिए 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक फीस अप्लाई कर सकते हो, साथ ही जुलाई 2020 वाले, ठीक है, जुलाई सेशन के जो बच्चे हैं ईयरली प्रोग्राम में, तो उनको जून 2021 में एग्ज़ाम, ठीक है, जून में एग्ज़ाम होते हैं ईयर एंड पर, ठीक है। इस प्रकार से एग्ज़ाम किए जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको फ़ीस पे करनी होती है। ये दिसंबर सेशन के लिए लास्ट डेट रहती है और ये आपकी जून सेशन के लिए। अगर आप डिले करते हो तो आपको एक्स्ट्रा फीस भी पे करनी होती है, लेकिन अगर इग्नू की ओर से डिले किया जाता है तो वहाँ पर आपको कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं होती। अब बात करते हैं ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस के बारे में। देखिए स्टार्टिंग में आपको जब आप एडमिशन लेते हो तो एक चार्ज देना पड़ता है, जो स्टार्टिंग चार्ज होता है वो 200 फीस है, जो रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको वन टाइम पेमेंट ली जाती है। उसके साथ ही आपको यहाँ पर फर्स्ट ईयर या फिर फर्स्ट सेमेस्टर की आपको फ़ीस पे करनी होती है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, अगर आपको बुक्स प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए तो उसकी फ़ीस वहाँ पे इंक्लूड हो जाती है, अगर आपको बुक्स ई बुक के फॉर्म में चाहिए तो आप लोग ई ज्ञान कोर्स से सिंपली डाउनलोड कर पाएंगे, और साथ ही यहाँ पे 15% आपको डिस्काउंट दिया जाता है इग्नू की ओर से। ओके, आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर आउट हो गया हो। इसके बाद में फ़ीस की बात करें, अलग अलग कोर्सेज़ की जो फ़ीस है वो डिफरेंट है, ठीक है, तो फ़ीस क्या है वो भी हम देख लेते हैं। अगर हम बैचलर ऑफ डिग्री की बात करें तो यहाँ पे फ़ीस कितनी है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इसके संदर्भ में, तो यहाँ पे सिर्फ 10+2 मांगा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को दिक्कत आएगी। यहाँ पे मार्क्स की कोई भी ऐसी क्राइटेरिया या कंडीशन नहीं रखी कि 90% चाहिए, 95 चाहिए, 70 चाहिए, 60 चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पास हो तो और 10+2 से हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ले सकते हो। यहाँ पे आपको दोनों ही मीडियम में मिल जाते हैं, इंग्लिश और हिंदी। साथ ही अगर बात करूँ इग्नू के कोर्सेज की, तो ये 3 ईयर के मिनिमम पीरियड में आप कवर कर सकते हो, मैक्सिमम आपको 6 ईयर का टाइम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कारणवश अपने जो डिग्री है उसे 3 साल में कंप्लीट नहीं कर पाते तो आपको 6 साल में कंप्लीट कर सकते हो, और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत दी जाती है। इग्नू के विषय में ज़्यादा जानना है क्या क्या एडवांटेज होते हैं तो एक छोटी सी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो उसी भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको बीएडी के पर्टिकुलर कोर्स के बारे में जानना है तो बीएडी की पूरी 1 घंटे की वीडियो जिसमें एक एक बारीकी से पॉइंट क्लियर किया गया है, जिसमें एक भी आपका पॉइंट नहीं बचा है, तो आप देख सकते हैं अगर आप बीएडी में एडमिशन लेने वाले हो। साथ ही बीएससीजी के रिगार्डिंग भी वो वीडियो कवर की है, तो आप बीएससीजी के स्टूडेंट हैं तब भी आप देख सकते हैं, बीएससीजी का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। सो यहाँ पे इग्नू में क्या होता है, आपकी जो एडमिशन है जनवरी और जुलाई सेशन में स्टार्ट किए जाते हैं, तो आप दोनों में से किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं, सभी में सेम प्रोसेस देखने को मिलता है। साथ ही फीस की बात करें तो जो बीए की इंटायर फीस है वो 8700 फीस फुल प्रोग्राम की है, जिसे आपको ईयरली बेसिस पर एनुअली आपको पे करनी होती है, जब आप फर्स्ट टाइम जब एडमिशन लेते हो उस टाइम पे करनी होती है, सेकंड टाइम जब आप री रजिस्ट्रेशन कराते हो, थर्ड टाइम आप जब री रजिस्ट्रेशन कराते हो, बिकॉज फर्स्ट टाइम जब आप एडमिशन लोगे तो उस टाइम पे फर्स्ट ईयर की फ़ीस पे हो जाती है, साथ ही जब आप री रजिस्ट्रेशन कराते हो फर्स्ट टाइम तब तो आपकी सेकंड ईयर की फ़ीस पे होती है, जब सेकंड टाइम री रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो फाइनल ईयर की फ़ीस आपकी वहाँ पे हो जाती है। तो इस प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। फर्स्ट ईयर में आपको जब एडमिशन के टाइम पे आपको 3100 रुपये पे करनी होगी, 200 रुपीस एक्स्ट्रा चार्जेस जो रजिस्ट्रेशन के आपके इंक्लूड हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें और क्या है, देखिए प्रैक्टिकल्स के संदर्भ में अगर बात करूँ तो जनरली तो नहीं होते, जैसे बीएससीजी के रिगार्डिंग नहीं है, लेकिन कुछ ही कोर्सेज में तो इन्वॉल्व है। उसके अलावा यहाँ पे कोर्स सिस्टम है, क्रेडिट सिस्टम है, तो क्रेडिट की अगर मैं बात करूँ तो 1 क्रेडिट इक्वली हमारा डिफाइन करता है स्टडी आवर्स को, जो कि आपके 30 आवर्स की स्टडी को डिनोट करता है। ओवरऑल आपके कोर्स में 132 क्रेडिट हैं तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और इसको आपको कंप्लीट करना होता है।
वहीं डियर बात करूँ कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की, तो यहाँ पे कोर्स कुछ इस प्रकार से चलते हैं। जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो तो आपके पास में ओवरऑल 4 कोर्स सेलेक्ट करने होते हैं, जिसमें से आपका जो फोर्थ वन है जो AECC कोर्स है, जो कि आपका कंपलसरी रहता है, तो उसमें आपको चॉइस नहीं मिलती। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ना कंपलसरी होता है। साथ ही बात करें, 2 आपके कोर कोर्स जिसे हम डिसिप्लिन भी कहते हैं वो होते हैं। एक आपका MIL होता है, जिसमें आपकी लैंग्वेज आपको प्रेफर करनी होती है अगर आप BAG में एडमिशन ले रहे हो। वहीं BSc D में लेते हो तो वहाँ पे एक अलग एडवांटेज मिल जाता है, तो वहाँ पे PCM ले सकते हो, या फिर अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो मेडिकल ब्रांच से, तो आप लोग वो सब्जेक्ट भी प्रेफर कर सकते हो, वहाँ पे आपको कंप्लीट चॉइस मिल जाती है। साथ ही सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो यहाँ पे एक एडवांटेज मिलता है, यहाँ पे कम्युनिकेशन आपको सीखनी पड़ती है, तो उसके संदर्भ में आप या तो आप हिंदी संप्रेषण ले सकते हो या फिर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल ले सकते हो, तो ये ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। आप डिसाइड कर लेना स्टार्टिंग में ही। बच्चे मीडियम को लेकर काफ़ी गलती कर देते हैं, तो स्टार्टिंग में ही जब आप एडमिशन ले रहे हो उसी टाइम पे सेलेक्ट कर लो किस मीडियम में आप प्रेफर करना चाहते हो, बिकॉज बाद में बहुत से इश्यूज़ आते हैं कि प्रोग्राम चेंज करना है, कोर्स चेंज करना है, मीडियम चेंज करना है, फिर बाद में हो नहीं पाते हैं ये सारी चीज़ें। तो स्टार्टिंग से ही करके चलो, एक बार देख लो ताकि आपको दिक्कत ना आए। वैसे ऑलमोस्ट बात करूँ तो किसी में ऐसा हार्डनेस नहीं देखी जाती, सभी सिंपलर रहते हैं, आप सभी को दिक्कत नहीं आएगी। बात कर लेते हैं शेड्यूल ऑफ सबमिशंस के बारे में। देखिए असाइनमेंट की बात आती है तो जो आपके एनुअल कोर्सेज हैं उसमें आपके असाइनमेंट की डेट आपकी ईयर एंड पर ही होती है। जनरली आपके जब कोर्स के एग्जामिनेशन फॉर्म निकलते हैं उस टाइम पर ही आपको सबमिट करने होते हैं उससे पहले। तो जुलाई सेशन में जिन बच्चे एडमिशन लेंगे उनको मार्च 2022 से पहले सबमिट करने होंगे, वहीं जनवरी 2021 में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है उनको सितंबर से पहले सबमिट करने होते हैं। और ये डेट्स जनरली वेरी करती हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, ठीक है। लेकिन आप ट्राई करें कि इससे पहले आप सबमिट कर दें, जो कि ज़्यादा अच्छा रहता है कि आपकी एवोल्यूशन में दिक्कत नहीं आती। वहीं जो सर्टिफिकेट 6 मंथ वाले प्रोग्राम के बच्चे हैं उनके लिए विशेषकर ये जैसे जनवरी सेशन में लिया है तो आपको मार्च में ही सबमिट करने होंगे, जुलाई में जो बच्चे लेंगे उनको सितंबर में सबमिट करने होंगे। ओके, आई होप यहाँ से आपको सबमिशंस के रिगार्डिंग पता चल गया हो। अब यार इसके अलावा इम्पोर्टेंट क्या है वो देख लेते हैं, वो है आपका री रजिस्ट्रेशन। अब री रजिस्ट्रेशन का सिंपल अर्थ क्या है, री मीन्स दोबारा, रजिस्ट्रेशन मीन्स कि आप नेक्स्ट ईयर और सेमेस्टर के लिए इनरोल कर रहे हो सिंपली, ठीक है। ये बच्चे कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है आप सभी के माइंड में, इस वजह से मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन जो बात है वो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मास्टर डिग्री वालों के लिए 2 ईयर रहती है जो मिनिमम है, और जो बैचलर डिग्री है उसके लिए 3 ईयर, और जो डिप्लोमा वगैरह है उनके लिए 1 ईयर, और इसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाता है। अब ये घटाकर 5 साल कर दिया गया है, तो इसमें अब थोड़ी कम कर दिया गया है सभी में, ठीक है। वहीं बात करें री रजिस्ट्रेशन में तो आपको 2 ईयर ड्यूरेशन में कराना पड़ता है जो कि आपका मिनिमम है, और 3 ईयर आपका बैचलर डिग्री के रिगार्डिंग होता है। उसके बाद में री रजिस्ट्रेशन की जो बात है तो एक आपका जनवरी सेशन है, दूसरा जुलाई सेशन है, ठीक है। री रजिस्ट्रेशन आपका ईयर और सेमेस्टर एंड पर कराया जाता है, उससे पहले नहीं कराया जाता, और जनरली ये एग्जामिनेशन से पहले आपकी डेट्स आती हैं, ये शेड्यूल आपके सामने है। सो, अगर आपका यहाँ पे सेशन है जुलाई सेशन तो आपको यहाँ पर जो री रजिस्ट्रेशन है फरवरी के फर्स्ट वीक में ही स्टार्ट हो जाते हैं, जनरली डेट्स वेरी करती हैं, और 31 मार्च लास्ट डेट रहती है। वहीं आपका जनवरी सेशन है तो आपको जो डेट स्टार्ट हो जाती है री रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग वो आपकी अगस्त से स्टार्ट हो जाती है, और अक्टूबर आपका अंतिम दिनांक रहती है। और कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन पोर्टल पर आपको इग्नू के पोर्टल पर ये ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप जाएंगे सिलेक्ट करेंगे री रजिस्ट्रेशन, वहाँ से आप इस फॉर्म पे आएंगे, इस पे आपको सिंपली एक्सेस करना है, यहाँ पर आपको इनरोल करना है। साइन अप करते ही आप न्यू पोर्टल पे चले जाएंगे जहाँ से आप अपना री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद में मेन बात आती है एग्जामिनेशन। देखिए री रजिस्ट्रेशन हो गया, अब बात आती है एग्जामिनेशन की। एग्जामिनेशन होंगे तो उसके लिए फ़ीस भी आपको पे करनी होती है, और सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करने होते हैं। देखिए इग्नू में आपको एक फैसिलिटीज़ मिल जाती है, एक अच्छी बात निकल के आती है कि आपको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। आप चाहें तो 4 कोर्सेज का दीजिए, आप चाहें तो 5 कोर्सेज का दीजिए, आप पर निर्भर करता है, ठीक है। आप उन्हीं कोर्सेज को सिलेक्ट करें, उन्हीं की फ़ीस पे करें। तो यहाँ पे क्या है, एग्जामिनेशन रिक्योर किस किस के लिए हैं, तो यहाँ पे जितने भी मास्टर डिग्री प्रोग्राम हैं, बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, PG हैं, डिप्लोमा है, सभी के लिए आपकी जो एग्जामिनेशन है वो कंपलसरी है।
उसके बाद में एग्जामिनेशन कब कब होते हैं, तो इग्नू में जनरली आपके 2 times एग्ज़ाम होते हैं, एक आपके जून में, दूसरा दिसंबर में। डेट्स वेरी कर सकती हैं, जिस प्रकार से अभी कोविड के कारण एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो रहे हैं, तो ये ऑफन है कि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें होता है, लेकिन आपके ओवरऑल ये रहते हैं अगर नॉर्मलाइज है तो, ठीक है। उसके बाद में बात करें फ़ीस के रिगार्डिंग कि लेट फीस क्या होती है, शेड्यूल्स क्या रहते हैं, तो देखिए एक आपके पेपर की जो फ़ीस है वो 200 rupees रहती है, ठीक है। और वहीं बात करें लेट फीस तो आपकी 500 से स्टार्ट हो जाती है, 1000 rupees तक जाती है जो लेट फीस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कई बार छूट मिल जाती है कि जैसे अभी के टाइम पे अभी आपकी डेट्स पोस्टपोन की जा रही हैं इग्नू की ओर से, तो उसमें आपको लेट फीस नहीं पे करनी होती। एक बात याद रखें, आपको जितने कोर्सेज की एग्ज़ाम देने हैं अभी तो आपके लिए पास में टाइम है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पर आप उतने ही कोर्सेज को फिल करें जितने की आवश्यकता है, ठीक है, उतने ही फीस पे करें। उसके अलावा यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, ये आपका फॉर्म रहता है कुछ इस प्रकार से जिसमें आप लोग अपनी सिलेक्ट करते हैं। उसके अलावा हॉल टिकट जनरेट की जाती है, इसमें एग्जामिनेशन से 10 दिन पहले आपकी जो हॉल टिकट है वो जनरेट की जाती है। सो आई होप कि यहाँ से आपके सारे पॉइंट लगभग क्लियर हो गए हों। अगर कोई पॉइंट बच जाता है, कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो कॉल मी फॉर ऐप के जरिए आप मुझसे पूछ सकते हैं, साथ ही कमेंट में भी आप मेंशन कर सकते हैं। और गाइस अगर आप लोग को कोई और समस्या आती है लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अगर आपको वैल्यूबल लगी है, पसंद आई है, तो इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर कर दें, लाइक कर दें। और चैनल पर नए हो तो ऑब्वियस सी बात है यार, और भी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर इग्नू से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।